फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर की रेसिपी। घर की रेसिपी में आज मसाला पनीर बनाई हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी और यमी बना है। अभी बारिश का मौसम है, हम सभी चटपटा थोड़ा सा तड़कता भड़कता कुछ भी खाना पसंद करते हैं, जो कि खा के मूड फ्रेश हो जाओ, यमी लगे। इस टाइप से मैं आज मसाला पनीर बनाई हूँ, अभी बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। ये आप नान के साथ, चपाती के साथ या फिर पराठा के साथ, किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगा। अभी क्या है, सावन का महीना है, हम नॉन वेज भी नहीं खाते हैं, तो वेज में कुछ स्पेशल हो। पनीर तो हर तरह के खाते हैं, इस तरह से पनीर आप ट्राई करें तो आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। इसमें हर टाइप की चीज में यूज की, यानी कि मलाई भी है, मसाला भी है, बहुत चीज है इसमें। इस टाइप की पनीर आपको बहुत पसंद आने वाली है, तो मूड फ्रेश हो जाएगा ये पनीर खाने से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, सबसे पहले चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में बताएं आपको ये पनीर की रेसिपी कैसी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको ये पनीर मैं कैसे बनाई, जो कि आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। आज मैं मसाला लबाबदार पनीर बनाने वाली हूँ, जिसके लिए मैं ली हूँ कटी हुई 2 बड़े साइज की प्याज, ये हो गया शिमला मिर्च, 2 कटे हुए टमाटर, 250 ग्राम पनीर है हमारा, और ये हो गया अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और काजू के कुछ दाने। इन चीजों से हम बनाएंगे मसालेदार पनीर। इसमें 2 टेबल स्पून मैं शाही पनीर मसाला यूज करूंगी। मैं शाही पनीर मसाला से ही आज लबाबदार मसाला पनीर बहुत ही टेस्टी बनाने वाली हूँ। 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर ऐड करूंगी। और सबसे पहले मैं तेल डाली, तेल गर्म हो गया है। सबसे पहले प्याज को फ्राई करेंगे, आधा प्याज मैं फ्राई कर लूंगी। इसी तरह मैं अब शिमला मिर्च जो है हमारा कटा हुआ है, जब हम फ्राई कर लेंगे। मैं प्याज फ्राई करके निकाल चुकी हूँ, शिमला मिर्च मैं फ्राई कर चुकी है, देख सकते हैं शिमला मिर्च की कुछ बीच बीच में रह गया है। इसी तेल में अब पनीर को फ्राई कर लेंगे। पनीर को ज्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का ही फ्राई करना है। हमारे जो ये बचे हुए प्याज है वो तो मैं फ्राई करूंगी। ये हो गया टमाटर, हरी मिर्च, फ्राई करना है 2 मिनट तक। हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, जो मैं अदरक लहसुन को पीस ली हूँ आपको दिखाई दी। इसे मिक्स करके गैस को लो फ्लेम पे रख के ढक के कवर करके अच्छे से पकाना है, ताकि टमाटो जो है अच्छे से घुल जाएगा, पक जाएगा। कवर हटा के देखते हैं टमाटर अच्छे से घुला के नहीं। ये देखिए टमाटर जो है लगभग इसमें घुल चुका है। ऐड करेंगे काजू, जो काजू मैंने बताया थी आपको, मैं इसमें काजू ऐड कर रही हूँ। इसे मिक्स करके 1 मिनट तक फ्राई करना है। इस तरह देख सकते हैं टमाटो अच्छे से घुल गया है, तो मैं काजू डाल के भी 1 मिनट फ्राई कर ली हूँ। और गैस को ऑफ कर देना है और मसालों को ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद हम इसे मिक्सर जार में पीस लेंगे, तब पेस्ट तैयार कर लेंगे। मसाले के मैं को निकाल के मिक्सर जार में पीस ली हूँ। कढ़ाई को, पैन को अच्छे से धो के साफ कर ली हूँ, एकदम क्लीन। 2-3 चम्मच मैं इसमें तेल डाल दी हूँ, इसे गर्म करें। तेल गर्म हो गया है, हम इसमें 1 टेबल स्पून जीरा ऐड करेंगे और 2 स्टीम तेज पत्ते, इसे अच्छे से पका लेंगे। ये जो मैं मसाले मिक्सर जार में पीस के रेडी की हूँ, इसे इसमें ऐड करना है। इसे मिक्स करेंगे अच्छे से और 2 से 3 मिनट हम इसे फ्राई करेंगे गैस को मीडियम फ्लेम पे रखते हुए। मैं आधा कप लगभग दूध ली हूँ, ये देख सकते हैं मलाई वाला दूध है, मिल्कफ्रेश का ठंडा दूध ली हूँ। इसमें जो ये मसाला है पनीर मसाला जो मैं बताई थी, इसमें मैं 2 चम्मच पनीर मसाला डाल के घोल लूंगी, अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मसाले मैं इसमें ऐड कर चुकी हूँ, मसाले मैं इसमें ऐड कर चुकी हूँ, अच्छे से मिक्स करना है। इस तरह से मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो देखिए मिक्स हो गया है, 2 मिनट फ्राई हो गया है, इसका कलर थोड़ा चेंज होने लगा है। हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, क्योंकि क्या है सर्दी का मौसम, मतलब बारिश का मौसम है, तो थोड़ा सा तीखा खाना, चटपटा खाना, यम्मी खाना सभी को पसंद होता है। तो मैं थोड़ा सा तड़कदार डिश बना रही हूँ। मैं हल्दी पाउडर ऐड की हूँ, स्वाद अनुसार नमक, सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ा से चलाते हुए देखिए कलर चेंज होने लगा है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। ये पनीर अलग टाइप की लगेगी आपको, एकदम चटपटा सा रेस्टोरेंट स्टाइल। हम घर पे ही कुछ अच्छा सा मजेदार बनाए, बारिश में खाने का मजा ही अलग है। अब इसमें हम ऐड करेंगे पनीर मसाला का, जो मैं दूध में घोल के पेस्ट तैयार की हूँ, इसे इसमें ऐड कर देना है और अच्छे से मिक्स करके गैस को मीडियम फ्लेम पे रखते हुए लगातार चलाएं।
3 से 4 मिनट तक इसे अच्छे से आप पका लें ताकि खुशबू भी अच्छी आ जाएगी और मसाला फ्राई हो जाएगा आपका। ये देखिए मसाले का टेक्सचर कितना अच्छा दिखा, बहुत ही अच्छा दिखा है। इस तरह से मैं पनीर एक बार जब घर पे बनाई थी पिछले टाइम सभी को बहुत पसंद आया था, इसलिए मैं सोची इस बार रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, आप लोग को भी बहुत ही पसंद आएगा इस तरह की मसालेदार पनीर रेसिपी। ये मसाला लगभग फ्राई हो गया है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, तेल भी चारों तरफ से निकल रहा है। और इसमें जो फ्राई करके मैं जो शिमला मिर्च और ये प्याज रखी उसमें ऐड कर दूंगी इस तरह से। मिक्स करना है मसालों के साथ। और पनीर जो फ्राई किया हुआ है ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी, इसे भी मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये देखिए मैं फ्राई पनीर भी ऐड करके मिक्स कर दूँ। ये पनीर जो है सबसे अलग लगने वाला है आपको, सबसे बहुत ज्यादा यमी लगने वाला। आपने पनीर तो बहुत तरह से खाए होंगे लेकिन इस तरह से बनाए तो बहुत पसंद आने वाला है। मलाई काजू मैंने सब ऐड किया है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आने वाला है। हम इसमें थोड़ा सा ग्रेवी पानी ऐड करेंगे जिससे ग्रेवी होगा, मैं ज़्यादा ग्रेवी नहीं ऐड करूँगी, थोड़ा गाढ़ा ये अच्छा लगता है। तो पानी डाल के मैं मिक्स कर दी हूँ, देख सकते हैं। और गैस को लो फ्लेम पे रख कर कवर कर देंगे 2-3 मिनट के लिए, इसे हम कवर कर देंगे ताकि पनीर भी सॉफ्ट हो जाएगा और कि खुशबू भी अच्छी आ जाएगी, टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। 2-3 मिनट तक कवर करके गैस को लो फ्लेम पे करके रख। इसमें कटी हुई हरी धनिया ऐड करेंगे, इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी। इसे 1 मिनट के लिए कवर कर देना है, 1 मिनट के लिए। गैस पनीर बन के रेडी है, मसाला पनीर। ये देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी, बहुत ही टेस्टी, एकदम चटपटा सा है। बारिश के महीनों में ये पनीर खा के तो आपको मज़ा ही आने वाला है। जरूर ट्राई करें। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें एंड हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।